बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी लोगों को शराब मिल रहा है और लोग शराब पीकर मर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। शराबबंदी को आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? शराबबंदी का नज़रिया यही है, हम चाहते हैं श्री नीतीश कुमार जी से कि शराब खोल दिया जाए, जो सरकारी ठेका है उसको चालू कर दिया जाए। अगर सरकारी ठेका चालू रहेगा तो ये जो गरीब जनता है और जो देसी शराब पी के मर रहा है ये नहीं मरेगा। इसका कारण यही है, नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि शराब चालू करना चाहिए। उससे शराब चालू करेंगे तो जो टैक्स का पैसा आता है वो बिहार के उद्योग में लगेगा, वो रोजगार में लगेगा। और ना लगने का कारण है कि जो भाई बोले हैं कि बिहार में शराब बंदी है, बंदी का कारण यही है कि कोई बंदी नहीं है, लोगों के नज़र में बंदी है मगर शराब बंद नहीं है, खुलियाम बिक रहा है, ठोकुआ बिक रहा है, दो नंबर बिक रहा है। हम सिर्फ नीतीश कुमार जी से यही निवेदन करते हैं कि सरकारी जो शराबी है, जो शराब का ठेका है वो चालू हो जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हाफिज है। तो अभी शराब बंदी है, उसको आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? बंद रहना चाहिए या नहीं? हाँ, बंद रहना चाहिए सर, इतना आमदी मर रहा है सर, सुन रहे कि बहुत आमदी मर रहा है। अच्छा, हाँ नुकसान बहुत हो रहा है सर, गरीब अमदी कहाँ से पिएगा सर, इतना अमदी मर जाएगा तो अमदी जिएगा सर? ऊपर बाल बच्चा कहाँ होगा सर, पता नहीं है सर। बंद है फिर भी तो शराब मिल रहा है सर, चुप्पा चोरी मिल ही रहा है सर। तो क्या करना चाहिए? वो एकदम साफ अप बंद कर दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सर कड़वा। आज हम शराबबंदी पर ओपिनियन ले रहे हैं और लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। चाचा, शराबबंदी है, इसको किस नज़रिया से आप देख रहे हैं? शराब बंदी है तो बंदी के नाम पर खाली बंदी है। एसपी का डेरा कहाँ है, डीएम का डेरा कहाँ है, कितना दूर पर है? आधा किलोमीटर दूर नहीं है, उसका घर का आधा किलोमीटर अंदर में दारू आता है, कहाँ से आता है? बनता है तो वहाँ पर क्यों नहीं रेट पड़ता है? जाके देखिए नीचे दरियाओ किनारे सब रास्ते में 2 बजे रात से दारू बेचना बनाना स्टार्ट कर देगा सर, उधर से जाके कम से कम। मतलब शराबबंदी केवल नाम के है? नाम का है, ये है खाली नाम का। इसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए या खोल देना चाहिए? बंद करना चाहिए, पूरा संपूर्ण बंद होना चाहिए। मतलब शराब पीने से क्या नुकसान हुआ है? शराब पीने से कितना आदमी मरा है, इसका पहले कितना आदमी मरा था? 71-72 आदमी मर गया, 74 आदमी का, फिर इसके पहले भी मरा था 25-26 आदमी। क्या नाम है चाचा? नाम है हमारा भरत प्रसाद। तो ये भरत प्रसाद हैं और लोगों में शराबबंदी को लेकर कहीं ना कहीं अच्छा राय मिल रहा है। अधिकांश लोग कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी है तो इसको पूर्ण रूप में बंद रखना चाहिए और कई लोग शराब खोलने का मतलब राय दे रहे हैं। तो अपना अपना लोग आज राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब को अगर बंद सरकार किया है तो उसको उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना चाहिए, कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा राय है कि कह रहे हैं खोल दिया जाए जिससे कि सरकार को उद्योग में उससे इनकम टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा जिससे बिहार का विकास होगा। लोग शराब पीकर मर रहे हैं, इसको बंद रखना चाहिए या खोल देना चाहिए? बंद रखना चाहिए, शराब बंदी है तो बंदी है। शहर में यदि शराब मिल रहा है तो प्रशासन की गलती से शराब मिल रहा है, शराब इसको पूरी तरह से बंद कर रखना है। समाज में इसका सुधार होगा, हर घर में शांति होगा। बंदी चल रहा है तो इसको कैसे देख रहे हैं, बंदी है कि मतलब कि मिल रहा है लोगों को? हम लोग तो पीते नहीं है, बाकी जहाँ तहाँ पीकर घूम रहा है तो शराब बिछा रहा है तो हम लोग कोई पी रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए? साफ बंद कर देना चाहिए, इससे समाज में सुधार होगा, हर घर में शांति होगा। और क्या नाम है? रमेश चंद्र पांडे। छपरा शहर के नगरपालिका चौक पर हैं, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। शराबबंदी को लेकर लोगों में क्या मन में चल रहा है हम बात करेंगे। भैया, शराबबंदी है बिहार में, कहाँ शराबबंदी आपको दिखाई देता है? कहाँ पर? कोई ऐसा जगह बताइए शहर के मोहल्ले में कहाँ शराब बंद है भैया, कहाँ स्मैक बंद है, कहाँ नशाखोरी जो है बंद है? ऐसा नहीं है, आप तो प्रत्येक मोहल्ले में जाइए, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर रोज 50 और 100 के संख्या में युवा शराब पी के आपस में झंझट नहीं करते हैं। सरकार तो कह रही है कि पूरी तरह से शराब अब छोड़िए, अब हल्ला गुल्ला फाइल में नहीं ना घुसेगा, कागज पर शराब बंद है, कागज दौड़ रहा है फाइल में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वो लोग भी जानते हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी मिली भगत है। नहीं तो मतलब आप शराबबंदी नहीं मानते हैं? अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि कहाँ बंद है ये बताइए,
कौन से जगह पर बंद है? आप जहाँ खड़े हैं यहाँ बंद है? 5 गो रोज रिक्शा वाला जरूर मिल जाएगा और 10 गो रोज यात्री में पैदल चलने वाले मिल जाएंगे एकदम कंटिन्यू। अब ये है कि गरीब के उन्मूलन के लिए अवैध शराब का जो है धंधा पुरजोर चल रहा है, और जो बेचता है खैरात में थोड़े बेचता है जी भाई साहब, कोई हराम में नहीं बेचता है, हराम में बेच ही नहीं पाएगा। आप अदना सा छोटा सा एक बात जो है बिना हेलमेट के 5 कदम की दूरी तय नहीं कर सकते हैं, तो आप शराब बिना पैसा दिए किसी को कैसे बेच लीजिएगा? ऐसा संभव है कि दारू बेच लीजिएगा बिना पैसा दिए हुए? ये सब बेकार की बात है। और बड़े पदाधिकारी लोगों को चाहिए कि इसमें स्किल तंत्र जो है स्किल से चलाएं वे लोग, पनिशमेंट का जो है दायरा बढ़ाएं। सस्पेंशन क्या है? 3 महीना के बाद फिर ज्वाइनिंग। सस्पेंशन का यही ना मतलब है कि 3 महीना के बाद ज्वाइनिंग। बर्खास्तगी तो इतने 100-150-200 आदमी मर गया इसके पहले भी, गरीब मरा है, पैसा वाला थोड़े मरा है जी इसमें। रुपया वाला टाटा बिरला का जो है थोड़े कौन हो बढ़िए कोई उच्च वर्ग का आदमी। अब आज का अखबार देख रहे हैं कि कितना मांग सुना हो गया, कितना बच्चे अनाथ हो गए, उन सारे लोगों का जो है आह भगवान के माध्यम से पड़ेगा। और देखिए अभी हम लोग अखबार पढ़ के ये शैलेश जी कुछ बोले हैं, अब हम क्या मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, शराबबंदी पर शराबबंदी है किस नजरिए से? उ तो नीतीश जी अपन जेनरिक दवाई जोन सप्लाई करवावत रहन ओकरे से लोग मरल बा, सारा थाना प्रभारी के हाल उहे बा, मुफती लोको टाउन होको भगवान बाजार होको सारा थाना प्रभारी पैसा लेता दारू बेचवावता, एकदम फेल। प्रशासन फेल किया है, जनता नहीं फेल किया है, सारे प्रशासन पैसा लेकर के दारू बेचवा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश सिंह मेरा नाम। तो ये शैलेश सिंह है और लोग इधर मौजूद हैं। हमको समझ में नहीं आता है देखिए कि उत्पाद देखिए मजेदार शब्द है, उत्पाद जो है आज के डेट में उत्पात बन गया है, वो अजब बात है। उत्पात का कोई उत्पात का जो है मतलब क्या है? उत्पात का मतलब ही उत्पात न मचा हुआ है। अखबार कह रहा है कि 39 आदमी मर गया, कागज में कह रहा है कि अखबार कह रहा है 39 आदमी मर गया, कौन जानता है कितना मरा है? शराबबंदी से 1% संतुष्ट नहीं है, खुलेआम मिल रहा है, अब उसमें क्या कहा जाएगा? तो शराब बंद रहना चाहिए या खोल देना चाहिए? इस हिसाब से तो खोल ही देना चाहिए, जिस तरह से आदमी मर रहा है तो खोल देना चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा? अब मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार एडवोकेट। वो चाचा भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन का जो मतलब यहाँ पे कार्रवाई है फेल है, जिसके वजह से शराब बड़े पैमाने पर अभी भी लोगों को मिल रहा है और यही वजह है कि लोग आसानी से शराब लेकर पीकर मर रहे हैं। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।